Hello students, next topic is how we can change the state of matter, यानी कि हम पदार्थ की अवस्था को कैसे बदल सकते हैं. दो वे हैं, by changing the temperature, या तो हम temperature को increase करें या temperature को decrease करें, तो solid से liquid, liquid से gas में convert हो सकता है, या by changing the pressure, या हम pressure को या तो increase करें या decrease करें. दो तरीके से हम किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हैं. अगला टॉपिक है व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. किसी टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि कोई सॉलिड चीज़ जो है वो लिक्विड में आनी शुरू हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है. जैसे कि हम यहाँ पे एक दो के एग्जाम्पल देखें. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और यही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है. तो जैसे ही वापस 0 डिग्री से अगर हम देखें, वाटर स्टार्ट होता है जमना 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और 0 डिग्री पे ही जब बर्फ़ से हम वो उसको वापस लेके आ रहे हैं लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, मोम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63 डिग्री सेल्सियस है. और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन जो देखें काफ़ी हाई है. अगर हमने आयरन को पिघलाना है, लोहे को पिघलाना है, तो हमें 1535 डिग्री के करीब उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके वो मोल्टन स्टेट में आता है. मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है, पिघली हुई अवस्था में पानी की तरह बह के चले, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मोल्टन है ये. और ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन है. अगला है बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग, इट इज बॉइलिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज इनटू गैसेस रैपिडली एट एटमोस्फेरिक प्रेशर. ये दोनों ही घटनाएं एटमोस्फेरिक प्रेशर के नीचे होती हैं, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. कोई भी चीज़ एटमोस्फेरिक प्रेशर के नीचे, वायुमंडलीय दाब के अंदर, अगर किसी तापमान पे उबलना शुरू कर देती है, बॉयल करना शुरू कर देती है, तो वो क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. बॉइलिंग पॉइंट अगर हम वाटर का देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है. 100 डिग्री आते ही वाटर जो होता है वो बॉयल करना शुरू हो जाता है. अगर इसके मुकाबले हम एल्कोहल देखें, जो प्योर एल्कोहल होता है, उसका 78 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. और जो मरकरी है, पारा जिसको हम बोलते हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेल्सियस है. तो इस प्रकार से हमें अलग अलग कुछ एग्जांपल लिए हैं यहाँ पे. वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, और जो मरकरी है वो 350 डिग्री सेल्सियस. अब कंडेंसेशन एक प्रोसेस और है. कंडेंसेशन क्या होते हैं कि प्रोसेस जिसके कारण से अगर गैसीय स्टेट के पार्टिकल्स एनर्जी लूज कर दें, दे चेंज इनटू लिक्विड बाय कूलिंग, इज कॉल्ड कंडेंसेशन. अगर हम गैसीय स्टेट को ठंडा कर दें, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, तो अगेन दैट गैसीय स्टेट चेंज इनटू लिक्विड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ए कंडेंसेशन. अगर हम देखें यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू, तो यहाँ पे कुछ एक जो चीज़ें होती हैं वो रिवर्सिबल हैं. सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड. तो ये कुछ रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं. जैसे कि कंडेंसेशन में अगर हम देखें, हम सॉलिड लें, सॉलिड से फिर लिक्विड करें, लिक्विड से फिर हम गैसियस स्टेट में लेके आ जाएं, गैसियस से फिर हम लिक्विड लेके आएँ, और लिक्विड्स को और भी अगर हम ठंडा कर दें, यानी कि आइस तक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस में ये कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको बोलते हैं कि कंडेंसेशन कब होगा. किसी चीज़ को यदि हम वो गैसियस स्टेट में है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें और वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, और इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है. उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट. लेटेंट हीट क्या है, द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट.
It does not raise the temperature. The word latent heat means hidden, यानी कि गुप्त ऊष्मा। अब देखो इसका मीनिंग समझो। हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटांस, यानी कि अगर हम किसी सब्सटांस को एनर्जी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और उसके कारण से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज टूट जाए किसी भी पार्टिकल्स का, वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, हमें दिखे ही ना गुप्त ऊष्मा। आप सपोज आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो कुछ समय तक गैस जलती रहती है, आप हाथ डुबो के देखोगे उसमें उसमें टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा है, हीट तो हम दे रहे हैं लगातार लगातार गैस चल रही है परंतु पानी गर्म नहीं हो रहा है, तो हीट कहाँ जा रही है? हीट का जो यूज हो रहा है उस समय तक, जब तक हमें पानी गर्म ना लगे हमारी उंगलियों को, तब तक वो जो गिवन हीट है वो लिक्विड्स के पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आ रही है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना शुरू होगा, टूट जाएगा, तुरंत हमें महसूस होगा कि पानी हल्का सा गर्म हो गया। जैसे यही एक क्वेश्चन आता है, व्हाई लेटेंट हीट डज नॉट कोज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। लेटेंट हीट यानी कि जो गुप्त ऊष्मा है, जिसको हम हीटेंट कहते हैं, हिडन कहते हैं, कि हिडन मतलब छुपी हुई, गुप्त छुपी हुई ऊष्मा, वो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर क्यों नहीं रेज करती, क्यों नहीं करती है? द लेटेंट हीट विच इज सप्लाइड इज यूज अप इन द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के काम आती है। द लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनमें गति ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, जैसे ज़्यादा गति होगी इसका मतलब क्या है, उनकी स्टेट चेंज हो चुकी। ये तो उतनी ही ऊष्मा है जब तक कि उनकी स्टेट चेंज नहीं होती है। कभी भी लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करती है, वो केवल और केवल पदार्थों के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस का जो खिंचाव के कारण वो एक साथ हैं, उसको तोड़ने के काम आती है। ओके?